अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, मैंने आज आपको नेक्स्ट स्टार्ट करवाना है बीटा फंक्शन। आज आप देखोगे कि बीटा फंक्शन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ का भी वन बाय वन हम प्रूव करेंगे और बीटा और गैमा फंक्शन का आज रिलेशन भी देखेंगे। सबसे पहले बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। बीटा फंक्शन को आप डिनोट करते हो इस नोटेशन से, और एम एन पे बीटा फंक्शन अप्लाई होता है। इसके अंदर एम और एन पे कंडीशन होती है कि वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। आपने ये नोटेशन याद कर लेनी है बीटा फंक्शन की क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन याद कर लेनी है, और बीटा फंक्शन जो होता है वो इक्वल होता है इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन और 1 - एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। जो फर्स्ट टर्म आ रही होती है वो एक्स की पावर में माइनस वन के साथ होती है, जो सेकेंड टर्म आ रही होती है वो 1 - एक्स की पावर में माइनस वन के साथ होती है। ये फॉर्मूला याद करने के बाद बीटा फंक्शन की तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी एम और एन आपस में इंटरचेंज हो जाए तब भी इक्वालिटी आती है। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है इंटीग्रल की फॉर्म में ये स्टर्म के भी इक्वल होता है और इस स्टर्म के भी इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है कि बीटा फंक्शन साइन और कॉस की फॉर्म में इस स्टर्म के इक्वल होता है। अब वन बाय वन हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ करके इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ करेंगे। जैसे आपने गामा फंक्शन में प्रूफ किया था, इसी तरह हम बीटा फंक्शन में भी प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर वन देखें। प्रॉपर्टी नंबर वन से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलस की प्रॉपर्टी बताई हुई है, जो कि आपकी प्रॉपर्टीज़ में आएँ यूज़ होगी, आपने याद कर लेनी है कि अगर इंटीग्रल 0 to a f(x)dx है वो इक्वल होता है इंटीग्रल 0 to a f(a - x), यानी अगर आप ऊपर वाली लिमिट में से x की वैल्यू को माइनस कर दो तो वो आपस में इक्वालिटी ही रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखें a की वैल्यू आपके पास 1 आ रही हो और यहाँ पे कहीं f(x) आ रहा हो और साथ में dx आ रहा हो, तो ये प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि अगर इंटीग्रल इस फॉर्म के साथ आ रहा है तो फंक्शन में से आप वो वाली चीज़ 1 - की फॉर्म में लिख दो तो ये आपस में दोनों इक्वल होती हैं। यानी x वाली चीज़ और 1 - x वाली चीज़, इसे आप आपस में इस तरह लिख सकते हो। प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इंटीग्रल की अपर लिमिट होती है बेसिकली उसमें से आप माइनस कर सकते हो एक्स को। अब देखिए, हमने सबसे पहले इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड उठाए, लेफ्ट हैंड साइड थी बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। आपने एम एन को प्रूव करना है वो एन एम के इक्वल है। आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी, बीटा फंक्शन का बाय डेफिनेशन फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद आप इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर देखो, यहाँ अपर लिमिट 1 आ रही है, यानी जहाँ जहाँ पे फंक्शन आ रहा है आप उसमें से 1 - एक्स को माइनस कर सकते हो। इसका मतलब ये, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ एक्स होगा आपने अपर लिमिट में से वो माइनस करना है। अपर लिमिट 1 है, यहाँ एक्स आ रहा है तो 1 - एक्स लिख दोगे, यहाँ एक्स आ रहा है तो इस एक्स की जगह 1 - एक्स लिख दोगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। करने के बाद ये 1 को कैंसिल कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखें x की पावर n माइनस वन रह गई है, 1 - x की पावर m माइनस वन रह गई है। जो चीज़ x की पावर में होती है वो वाला वेरिएबल पहले आता है, जो 1 - x के साथ आती है वो सेकंड में आता है। तो देखें बेसिकली ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला बन गया है, लेकिन पहले n आ रहा है फिर m आ रहा है, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो चीज़ हमारी प्रूव हो गई है। सिंपल बीटा फंक्शन का बाय डेफिनेशन फार्मूला लिखा, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है और एक स्टेप में आपका सारे का सारा काम हो गया। इसी तरह इसका आगे सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूव है। सेकंड प्रॉपर्टी में आपने प्रूव करना है कि बीटा फंक्शन इन दोनों इंटीग्रल के इक्वल होता है। आप सबसे पहले लिखोगे बाय डेफिनेशन बीटा फंक्शन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आपने वो वाला फॉर्मूला लिखा। आप गौर करो तो यहाँ पे बेसिकली जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है ना, अगर आप इस चीज़ को देखो, वो 1/1 + x है। यानी एक नया वेरिएबल लेट करना पड़ेगा जो 1/1 + x की फॉर्म का हो। हम उसे चेंज करने के लिए लेट कर लेते हैं, एक्स हमारे पास 1/1 + y है इस वाली चीज़ को देख के। तो यहाँ से बेसिकली इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ले लिया, ये टर्म ले ली। अब देखें आपने बेसिकली यहाँ से y को एक साइड पे निकालना है, बाकी सारी टर्म्स एक साइड पे कर लेनी है, क्योंकि y को एक साइड पे करके जब आप करोगे फिर ही आप उसकी लिमिट्स चेंज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन लिखी, डेरिवेटिव लिखा। अब अगर मैं इसमें से y की वैल्यू निकालूं, y 1/(x - 1) बचेगा। अब देखें लिमिट्स पुट करनी है, x की जगह 0 पुट करोगे, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, y की लिमिट इन्फिनिटी बन जाएगी। जब आप x की लिमिट में 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 - 1 0 आ जाएगी। अब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू, जहाँ जहाँ dx आ रहा था वहाँ पर उसकी वैल्यू, और लिमिट्स की जगह पर आ जाएगा इन्फिनिटी टू 0, क्योंकि 0 पुट करने से इन्फिनिटी आया था। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स आपस में रिप्लेस कर देते हैं। जब लिमिट्स आपस में चेंज होती हैं तो साथ में माइनस साइन आता है, जब माइनस साइन आएगा वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके आपस में प्लस हो जाएगा।
नेक्स्ट पेज पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, आपने इसकी लिमिट्स जब इंटरचेंज की तो नीचे जीरो आ गया, ऊपर इन्फिनिटी साथ में माइनस आ गया, ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया। आप इस टर्म का एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद जब ऊपर वाली टर्म्स अलग और नीचे वाली टर्म्स अलग करोगे तो ये कुछ आपके पास ये वाली फॉर्म बचेगी। और ये बेसिकली आपके पास बीटा फंक्शन का ही फॉर्मूला बनता है, सिर्फ जहाँ जहाँ एक्स आता है वहाँ वहाँ वाई आ रहा है। आप क्या करोगे, ये वाली चीज़ करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, एक्स को रिप्लेस वाई को रिप्लेस कर दोगे एक्स से, क्योंकि हमें सारे का सारा काम एक्स की फॉर्म में चाहिए था, तो आप प्रॉपर्टी में देखोगे जो चीज़ प्रूव करनी थी उसी चीज़ के इक्वल वाली टर्म आ जाएगी। जो बीटा फंक्शन होगा वो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ये लिखने के बाद यहाँ पे एक चीज़ प्रूव हो जाएगी। अब आप लिखोगे यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी आप करोगे, आपको पता है बीटा फंक्शन ऑफ एम एन एन एम के इक्वल होता है। अगर आप इस तरह कर सकते हो तो जहाँ जहाँ एन आ रहा है उसको एम से रिप्लेस कर दोगे, जहाँ जहाँ एम आ रहा है उसे एन से रिप्लेस कर दोगे। जब ये वाली चीज़ करोगे फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके, तो ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के भी इक्वल आ जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी में बेसिकली दो प्रूव करने थे, तो वो फर्स्ट टर्म के भी इक्वल आ जाएगा और सेकंड टर्म के भी इक्वल आ जाएगा ये वाली कंडीशन यूज़ करने से। ठीक है,